क्या यही प्यार है, हाँ यही। आज मुझे मेरा प्यार मिल गया जिससे फाइनली मैं सोच रहा था। अरे फोटो वोटो तो दिखाओ। थोड़ी सी अपनी क्यूटनेस भी डाल देना। हाँ जी भाई लोग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके, और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ आप देख सकते हो लास्ट व्लॉग के कमेंट्स वाले विनर। और यार मैंने सोचा क्यों ना अपना हेयर कट करा जाए। ये देखो कैसा लग रहा तुम्हारा भाई, ये बताओ। मैंने सोचा यार थोड़ा सा इंसान वाला लुक ले लेता हूँ मैं। क्यों भाभी, नहीं हो रहा था जानवर जैसा? जानवर रीच जैसे। कह रही है रीच जैसा हो रहा था। अब कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई, कमेंट में जरूर बताना। क्या कह रही हो? लग रहा मंकी जैसा। ओहो, अब तो तुम भी मजे लेने लग गए हैं। क्या लगाया चेहरे पे, आज तो चमक रहा है सही में। हाँ। अबे मैं यूज करता हूँ मुस्टैक का ओशन फेस वॉश। इसमें है लिकोराइस के एक्सट्रैक्ट जो स्किन को ब्राइट और इंस्टेंट ग्लो देता है। इसे तो मैं भी लगाऊंगी। नहीं, ये बना है सिर्फ मर्दों की टफ स्किन के लिए। और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो ये यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्किन को करता है कूल एंड रिफ्रेशिंग, क्योंकि इसमें मिंथोल है। इसमें है सैलिसिलिक एसिड जो आपके पिंपल कम करेगा और होने भी नहीं देगा। और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। और ये सिर्फ मेरा ही फेवरेट नहीं है, अमेज़न फ्लिपकार्ट पे इसकी 2 लाख से ज्यादा रेटिंग है। और ऑफर भी है, दो लेने पे एक पड़ता है 150 का। एक तो मैंने खाली भी कर दिया। इसे यूज करना बहुत आसान है। थोड़ा सा फेस वॉश लेना है, अच्छे से रब करना है और झाग बनाना है, और फिर अच्छे से अप्लाई करना है। वाओ यार, एकदम अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप भी यूज करो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, जाके बाय करो यार, ऑर्डर करो। अबे ये क्या कर रही हो मम्मी? बर्फ की सिकाई। अच्छा, बर्फ की सिकाई कर रही हो। ओहो, अरे वाह। नाश्ते में क्या बना? पोहा। और भाभी जी ने बनाया इतना टेस्टी पोहा। अब मिलते हैं ब्रेकफास्ट करके। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। क्या हाल है दोनों के आज? भाभी यार मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। आज मुझे मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है, इंतजार खत्म हो गया, सारी चीजें हुई हैं। आज मुझे मेरा प्यार मिल गया है जिससे फाइनली मैं सोच रहा था। आज मेरी उससे मुलाकात होने वाली है। और आज अमित भाई साहब, तुम्हारे भाई को प्यार हो गया है। कौन मिल गई? क्या करते फिर रहे हो? जो भी मिली है वही मेरा प्यार था, वही मेरी जान थी। मैंने सोचा भी नहीं था आज ऐसा दिन आने वाला है। भाई साहब, आई लव यू यार। आज मैं इतना खुश हूँ कि तुम दोनों सोच भी नहीं सकते। जो जिस लड़की, जो मेरी पसंदीदा औरत थी, औरत जो वो मुझे अरे क्या मर जाओ, औरत से ही प्यार हुआ। ये एक डायलॉग है जो आपको छोरी मर गई थी क्या सारे देश की? ये एक डायलॉग है जो आपको कभी समझ नहीं आएगा। मैं कह रही हूँ सारे देश की छोरी मर गई थी। कौन है ये तो बता। पसंदीदा औरत, पसंदीदा औरत वो होती है जिसके लिए विनय ठाकुर सारी चीजें करता है, उसकी सारी बातें मानता है, उससे कोई झगड़ा नहीं करता है। वो होती है पसंदीदा औरत। और वो लड़की से आज मैं मिलने जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे को ये नहीं बताऊंगा कि वो है कौन। मिलने ही जाओगे? यस। बता तो सही, है कौन? ये ही नहीं बताऊंगा बस। अरे बता दे। बताओ भाई लोग, आप सबको बताऊं कौन है वो, या रहने दो अभी? भाई साहब विनय ठाकुर प्यार में है, प्यार में। क्या यही प्यार है। जब से रात से उससे बात हो रही है, मेरी रात की नींद उड़ गई है, मेरा चैन उड़ गया भाई साहब। चलते चलते रुकने लग गया। हाँ, चलते 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 रुकने लग गया, बैठे बैठे सोचने लग गया। हाँ देखो, चल खाते, हाँ। देखो चल, जैसे चला अब मैं रुक गया, बैठा अब मैं सोचने लग गया। सारी चीजें हो रही है जो इश्क मोहब्बत जुनून, जिसमें जज्बात खत्म हो जाते हैं, इंसान खत्म हो जाता है, वो हो गया मुझे। बेड पे चढ़ के नाच के तो दिखा एक बार। बाबू एक के दिन में। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। खराब मत करो। क्या प्यार, प्यार क्या कह रहे हो? प्यार बैठा है कहीं और, यहाँ उरे गोबर मचान लग रहे हो। चादर खराब ना करूं? हाँ ना। ये लो यार, बाबू देख लेना। ये लो यार, मेरे को सही होनी पड़ेगी, मेरे बस की नहीं है, इतने बारी बारी करते उठाने। दिमाग खराब तो इसकी प्यार आई है अब ठीक करने। यस yes. ये देखो, ये ना, ये तो कह रहा हूँ। वो फोन में, ओ भाई 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 बचा लो, मुझे आज प्यार हुआ है। भाई आज प्यार में, आज आज आपको भी देखो, आज मेरे आज में तो प्यार में ना। हाँ, मिलने जा रहा है ना आज। हाँ। तो गिफ्ट में क्या लेके जा रहा है? गिफ्ट में इनकी गोल्ड की चेन। पागल है क्या? आईफोन लेके जा, कम से कम 16 तो आया नहीं, अभी 15 जैसे तुमने दिया था इन्हें। हाँ, वो रखा हुआ, वो लेके जा। क्या बोलते हैं भाई, अपना वो परफ्यूम दे देना। हाँ। वॉच दे देना, ठीक है, और जींस भी निकाल दो बढ़िया वाली, और बेल्ट भी। तू गए तो मैं चला जाऊं तेरी जगह? अरे नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे सुनो उसकी बड़ी बहन भी है, एक सिंगल। तूने पहले क्यों नहीं बताई है?
ये देखो भाई अब बन जाओ, क्या क्या अब बन जाओ, मैंने छोड़ दो उससे ब्याह कर लेना। प्यार मेरा मोहब्बत मेरी, ये देखो लड़िए रहे दोनों, ये देखो। अरे फोटो वोटो तो दिखाओ। फोटो दिखाऊं? शर्माओगे तो नहीं? मैं क्यों शर्माऊंगी, शर्माओ आप। दिखाता हूं, लो मेरा फोन कहां है, रुको। ब्याह भी उनकी तैयारी कर लो फिर। शादी की तैयारी पूरी चालू है मेरे भाई, बारात का इंतजाम करो तुम। करता हूं, करता हूं। और दहेज में गाड़ी जो तुम बोलो वही आ रही है। ठीक है, ऑल्टो आ रही है। दिखा रहा हूँ फोटो, दिखा रहा हूँ भाभी आपको। जरा अपनी जान की फोटो दिखा दूं भाभी को। अभी तो जान। ओ मेरी जाने मन, क्या तुम क्या झांक रहे हो? ये नहीं, ये फोन में झांक रहे हैं। दिखा दे, मैं तो भाई हूं। दिखा दो रहा हूँ भाई, एक मिनट। ये इनका क्या चंडी हो रही है, देखना। ये लो देखो। अरे मम्मी, अरे इसमें तो पलके लाग रहे हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ, दो इधर। दिखाओ कितनी सुंदर। तो नहीं भाई एक बात बताओ, अगर कोई इंसान काल आए तो क्या उससे कोई प्यार नहीं कर सकता? कितनी क्यूट लग रही है, क्यूट लग रही है भाई, सुंदर है, मुझे सुंदर तो, है ना, देखियो कितने मस्त वो हैं इसके बाल। हाँ इनसे मैच हो रही है, इनसे करा दो। हाँ ठीक है, चलो मुझसे करा दो, मुझसे मैच हो रही है। अरे मजाक, अरे ओ मजाक कर रहा हूँ, पागल पागल बना रहा हूँ दोनों का। ये गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, मेरी जो गर्लफ्रेंड है, पहले मैं उससे मिला हूँ एक बार, साथ में जो फोटोज क्लिक करूंगा वो दिखाऊंगा तुम्हें। अब मैं रेडी हो लूँ पहले, फिर निकलता हूँ। और तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी, कैसा लग रहा हूँ मैं ये बताओ। चलो ठीक है भाई, बाय बाय दोनों को, जा रहा हूँ मैं। ऑल द बेस्ट बोलो जल्दी से। ओ बॉय, जल्दी बोलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। प्याज ले जा, प्याज ले जाऊं, नजर ना लगे। हाँ थैंक यू। एक प्याज उसको दे दियो। हाँ एक प्याज खुद रख लियो। अरे लहसुन देते हैं प्याज। अरे प्याज महंगी हो रही है ना, गिफ्ट में देगा। अरे लहसुन बहुत महंगा है। चलो बाय, ले जाओ, बाय बाय बाय। आलू भी ले दो, सब्जी बना खिला दियो। ये भगवान, जीरा भी दे दो, सरसों का तेल, छौंका भी लगवा लूंगा बाहर। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। खा मैं खाम खुश हो जा रहे हो, ना कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी, ना किसी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा, एक बिजनेस मीटिंग है मेरी प्राइवेट, वहां का व्लॉग नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा गाड़ी में बता दूं। तो ज्यादा खुश मत हुआ करो, ठीक है। अभी जाता हूं घर मीटिंग के बाद, और फिर इन्हें बताता हूं भाई मिला है गर्लफ्रेंड से। अभी बच चुके हैं आज, तुम्हारा भाई आ चुका है घर। हाँ जी क्या हाल है भाई साहब? मिला है। और अरे मस्त एकदम, वो देखो चोर झांक रहा वहां से। आशिक हूँ दीवाना हूँ, उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, इश्क में उसके लिए जीता हूँ, इश्क में उसके मर जाऊंगा। नहीं पागल हो गया तो? अरे एक बहुत सुंदर है, फोटो तो दिखाई ना। वो तो आटा भी नहीं लगाती, घर में नौकर है उसके तीन चार भाई, उन्हें लगाना पड़ेगा सीधी बात। मैं उसके आने के बाद तुरंत आटा लगाना छोड़ दूंगी। सोच रही हो आएगी या ना, लोग देखेंगे। तू लगा है भाभी, तू आएगी तो तू लगा, तू लगा, रोटी बनानी पड़ेगी, सब्जी मैं बना दूंगी, बात खत्म। ओए ओए वाई वाह, पार्टनरशिप कर लूंगी है। भाई मैं घर पे आया हूँ और भाभी जी बोल रही हैं कि भाई कुछ खाने चल रहे हैं बाहर। मैं कुछ खाने नहीं जा रही। मैं तो घूमने जा रही हूँ बाहर की हवा लेने। तो अभी हम जा रहे हैं तीनों बाहर कुछ खाने और थोड़ी सी बाहर की हवा खाने। मैं तो खाया है, मतलब ये दोनों खाने जा रहे हैं। और अभी हम निकल चुके हैं घर से और सबसे पहले भाभी जी की फेवरेट चीज खाने जा रहे हैं। भाभी क्या है वो? भाई मेरी ना है वो अब। अच्छा अब नहीं रही, आप दोनों की है वो। क्या है वो? मोमोज। मैं तो सच्ची में ये एक दो खाऊंगी, ये दोनों ही खाएंगे। मैंने तो ये बोला था भाई मेरे को तो चाप खिला दो। हाँ तो यू कह रहे हैं चाप भी खिला देंगे, लेकिन पहले मोमोज खा लो, तुम्हारा नाम हो जाएगा और खाम लेंगे। और भाई आज चला रहे हैं गाड़ी अमित भैया, और गाड़ी का माइलेज देखो आप भाई साहब, ये स्कॉर्पियो है ना, ये देखो 4.9 किलोमीटर, मतलब एक लीटर तेल में 100 रुपए के तेल में ये चल रही है 5 किलोमीटर। तो सोच समझ के गाड़ी लेना पेट्रोल में। फॉर्चूनर से भी कम एवरेज दे रही है ये, इतनी बुरी हालत हो रखी है इसकी देखो, मतलब बंदा निकाले भी तो कैसे निकाले घर से। जो ऑडी थी ना हमारी, वो 9-10 का देती थी। हाँ और इसे देखो। ये महिंद्रा की कार ना भाई, ज्यादा अच्छी नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, देख दाख के लेना। और क्या। हेलो यस भैया जी, बताइए। हाँ जी कैसे हो आप? सब बढ़िया है भैया जी, आप क्या चाल है? आप तो बहुत क्यूट लग रहे हो। अच्छा सुन तो लो, बात तो सुनो मेरी। बताइए बताइए। एक प्लेट पनीर मोमोज कर दो मैं। एक प्लेट पनीर है।
हाँ एक प्लेट पनीर मोमोज और उसमें ना थोड़ी सी अपनी क्यूटनेस भी डाल देना। ये भाई अपना इतने बढ़िया मोमोज बनाते हैं यार। और सुना मेरे भाई कैसा है? सब बढ़िया यार, एक, क्या बस बढ़िया। एक प्लेट पनीर मोमोज लिया, एक प्लेट पनीर मोमोज बस। ये अपना प्यारा सा भाई है एक, मतलब हम स्कूल टाइम से यहाँ पे मोमोज खाते हैं, तब नहीं था ये तो अभी रिसेंटली आया यहाँ पे, पर बढ़िया लड़का है ना भाभी। हाँ शर्म आ रहा था वो। मैंने कहा इसी से मजे ले लूं थोड़े से, सुबह से किसी को तंग नहीं करा। चलो एक एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ भाई, सुनो सुनो एक रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ सच में। ये देखो भाई देखने में इतने स्वाद लग रहे हैं, पकड़ो। तो क्या हुआ, जब मैं 9th-10th में था ना तो मेरी एक सेटिंग थी, ठीक है अब माइंड मत करना सुन लो चुपचाप। तो अब भाई मेरे पास फोन था नहीं और उसके पास भी फोन नहीं था, पर कभी कभी जैसे वो अपने कजन के आती थी तो हम मिल लेते थे, नंबर दोनों पे किसी के पास नहीं था। तो उसने मुझे अपनी मम्मी का नंबर दे दिया था और बोल दिया था कि कभी भी कॉल करो ना तो ये बोल दिया करना कि वैशाली बात कर रही हूँ, बात करा दो। अब मैं स्कूल में अपने लड़के दोस्तों, तुम्हें पता ही है कैसे होते हैं, तो वो लड़के फोन लेके आते थे, ठीक है। तो मैं उस लड़की को अपनी सेटिंग को उसकी मम्मी को कॉल करता था मैं दोस्त के नंबर से, और पता क्या बोलता था, तो मैं ऐसे बोलता था, हेलो आंटी जी नमस्ते, मैं वैशाली बात कर रही हूँ, उससे बात हो जाएगी? और उसकी मम्मी कहती थी हाँ बेटा ले, और उस मेरी सेटिंग को फोन देती थी। ओ भाई साहब ये कांड थे मेरे, गदर रियल भाभी रियल, सच सच में कर सकता है। नहीं नहीं सच में अहमदा, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, हर बार जितनी बार बात हुई है सोचो। अरे एक बार तो मेरे फोन से कुछ कर रहा था, मैं बाद में बताऊंगा। तुम्हारा भाई हमेशा से ऐसा कांड ही रहा है सोचो। अरे मेरा रिश्ता हो गया था, सुनो मेरे को भी पागल बनाया था इन्होंने। हाँ। इनका फोन उठा लिया था, मतलब फोन पे बात करते थे हम। हाँ। तो भाई साहब पापा जी बन के बात कर रहे हैं मेरे से, हेलो हेलो ज्योति बेटा। हाँ। भाई साहब मैं तो फुल डर गई के, भाभी बोलती हेलो पापा जी नमस्ते, ऐसे ऐसे आवाज ही लड़खड़ा गई भाई साहब इनकी, मेरी हंसी निकल गई। मेरे को याद आ गया इन्होंने मेरे को पागल बनाया था। भाई कुछ भी बोलो मोमोज़ों में स्वाद आ गया है ना, भाभी खा रही है छुप छुप के, जिससे व्लॉग सुनो ये छुप छुप के खा रही है, जिससे व्लॉग में लगे ना मैं खाती हूँ ज्यादा है ना, सही में एक ही खाया ना अब तक, बोलो नहीं खाती मैं ज्यादा, खा लो खा लो खा लो। और यार हम लोग निकल चुके थे मोमोज खा के, लेकिन भाभी जी को देखो क्या याद आया बाद में, गाड़ी काफी आगे आ गई, अब याद आ रहा है इन्हें और याद ही आ रहा है, कह रही है कि मुझे और मोमोज खाने हैं। देखो इनकी हरकतें जरा, सुनो एक मोमोज ही खाया था मैंने और दोनों खा गए। और फिर मेरे को वहां से भगा लाए कि चलो तुम तो खाती नहीं हो। ये झूठ बोल रही है, काफी सारे पीस खाए थे इन्होंने, मैंने और अमित ने एक एक खाया था बस। यार कसम खा जाओ आप दोनों ने एक एक खाया था, इतनी झूठ मत बोलो बाबू। मैंने तो छू के रख दिया था सही में। एक बार रुकना मम्मी की कॉल आ रही है जरा, यूं जीव से लगा के रख दिया था। धन्यवाद भाई, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी दोबारा परेशान करने के लिए। अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, कस्टमर हमारे बड़े आए हुए। लो भाभी पकड़ो चटनी को पी जाऊं, दे दे चटनी, देख के कैसे मुंह में पानी आ रहा है, चटनी इनकी देखो कैसे कैसे। दोनों चटनी खाते हैं दबा के भाभी, आए हाय अंदर देखो सही में पानी आ रहा है जीभ से, छी छी। अरे यार सुगली नहीं आ रहा, खाओ अब खाओ। और ये तो बता दो कि पहली भी प्लेट आपने खाई थी और दूसरी भी आप ही के लिए है, अब खाओगे ना दोनों? दो वो ही खा लो, एक खा के बदनाम कर रहे हो मेरे को। आप इसलिए डर रहे हो ना कि घर वाले बोलेंगे, पता है जुकाम हो रहा है ना मेरे, तो मैं मोमोज खाऊंगी ना तो वो सही होता है यहाँ से। चलो खा लो खा लो, इसलिए खा रही हूँ वरना मैं मोमोज नहीं खा रही। हाँ हाँ वो दिख रहा है जीप पे कि इसलिए खा रही हो। अब आ गए तो खाऊंगी हाफ प्लेट, ये मैंने अपने लिए अलग से मंगवाई है। अरे इसमें से भी देखो देखो कैसे चाट रहे, अरे ये खा गए। मैं तो चाट के रख रहा हूँ खाली, यार एक तो खा भी गए भैया। देखो कब खाया मैंने, 6 के 6 ये देखियो, सात आए हैं, 6 आए हैं, आते हैं हाफ में, मेरे से ज्यादा पानी तो इनके आ रहा था। ये देखो भाई इस बंदे ने कितनी बढ़िया समझदारी दिखा रखी है कि साइकिल में भी लाइट लगवा रखी है, जिससे रात में कभी साइकिल पे ट्रेवल करे तो गाड़ी वगैरह को दिख जाए कि भाई बंदा साइकिल पे जा रहा है, क्योंकि रात में कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी वालों को ना दिख नहीं पाता रोड पे या स्पीड में जा रहे हैं कि क्या है, तो कम से कम ये कि रोड सेफ्टी रहेगी, इससे एक्सीडेंट वगैरह कम होंगे साइकिल के। और मोमोज खा के हम लोग आ चुके हैं घर, और यहाँ देखो आते ये भी फोन में लग गए और वो भी फोन में लग रही है, शाबाश। और यार मैंने ना एक चीज नोटिस करी भाई, लोग गर्मी हो रही है देखो बहुत ज्यादा, ठीक है चाहे दिल्ली हो यूपी हो राजस्थान हो हर जगह बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, और बहुत सारे लोगों को ना हीट स्ट्रोक आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप कभी भी धूप में निकल रहे हो या आपके घर वाले या कोई भी यार धूप में जा रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा ना सबको समझा दो कि धूप में थोड़ा सा ध्यान रखें भाई, कवर वगैरह करके जाएं, या अगर मतलब अवॉइड कर सकते हैं जाना बाहर तो ना ही जाएं दोपहर में,
ये 12 से 3 बजे की गर्मी इतनी गंदी है यार, इतनी गंदी है। रिक्शे वाले बेहोश हो रहे हैं, बाइक पे बंदा ऑफिस जा रहा है बेहोश हो रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, पानी की बोतल वोटल रखो अपने पास यार एकदम, ठीक है। अब इस व्लॉग की एडिटिंग करते हैं हम, तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू सबको, राम राम जी, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू सबको। गुड नाइट का फायदा अब तो दिन में देखेंगे लोग व्लॉग कल सुबह। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।